आइए हम बात करते हैं देश के किसानों से जो मोदी सरकार से बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और इनको क्या हुआ पिछले 5 वर्षों में जाना जरूरी है। आज हम खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर और बिहार की राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है और किसानों का हाल जानते हैं कि किसानों की स्थिति क्या है। सरकारें बदली हैं या इनका भी कोई सामाजिक जो सिस्टम है रहने का रहन सहन बदला है, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए हम बात करते हैं, ये बताइए जो मोदी जो सरकार है पिछले 5 वर्षों में किसानों के लिए क्या क्या किया है? किसान के लिए कुछ नहीं किया है। यहाँ धान नहीं बिक रहा है। क्यों धान क्यों नहीं बिक रहा है? कोई बनिया भी नहीं दे रहा है। पैक्स में पैक्स वाला कहता है कि मनमाना करेंगे, नहीं आपको नहीं लेंगे। नहीं तो उसको कब से प्रॉब्लम, समस्या कब से? 5 साल से है। 5 साल से? हाँ। तो राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार कह रहे हैं कि सब यहाँ के रबी बुड़ रहा है। हाँ। नहर की कोई सूचना, नहर को टूट टूट के आके सबके बुड़ा रहा है, सब ऐसे भूखे मरे थे। तो अगला साल सबके बिया भी नहीं लौटा। अच्छा। बिया भी सरकार नहीं दिया। हाँ। सब खा जाता है, क्या करता है पता है? इसमें कोई कहने वाला है? तो कैसे चल रहा है आप लोगों का जीवन, कैसे चल रहा है? वैसे गरीबी में चल रहा है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, एकदम खराब है। खेती कैसा हो रहा है? खेती तो है ही नहीं है, खेती तो सब डूब रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, कुछ मर रहा है, सुखाड़ हो रहा है। इस स्थिति में धान और गेहूँ डूब रहा है पानी से, गेहूँ खत्म है, रबी खत्म है। आप इसके लिए नीतीश कुमार को मानते हैं या मोदी सरकार को मानते हैं? इसके लिए दोषी कौन है? बिहार के लिए तो नीतीश दोषी है। हाँ, इनका सरकार तो केंद्र में भी है ना, मोदी जी भी तो इन्हीं के सरकार में ना है, दोनों आदमी की तो सरकार एक है। तो आपका जो धान है गेहूं है उसका फसल का क्या स्थिति है? एकदम खराब है, एकदम खराब, एकदम खराब है। ये अरुण सिंह है, इनसे बात कर रहे थे, किसान है और बहुत दुखी है सरकार से। आई जानते हैं एक किसान और है, खड़े हैं देश की राजधानी दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पे और बिहार की राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर। हम जानना चाहेंगे आज की 2019 का जो चुनाव होगा वो कितना संघर्ष होगा, मोदी के लिए कितना बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि किसान जो हैं देश की जान हैं और शान हैं। किसानों का हाल जानने के लिए हम आज चले हैं दिल्ली से, पहुंचकर इस गांव का मुआयना कर रहे हैं और जानेंगे कि किसान की स्थिति आज की तारीख में क्या है। आज के समय में जो सरकार का लगभग 5 साल पूरा हो गया है, 19 में चुनाव होने वाला है, तो आप कितने खुश हैं? किसान के नाते आपका क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या कष्ट आपको है कि क्या क्या फायदा हुआ है? कष्ट बहुत सारा है। कष्ट है कि मोदी जी के सरकार में कोई भी योजना हम लोग का नहीं मिला, इनका सरकार से हम लोग न खुश हैं। 5 साल पहले वादा किया, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक स्थिति है कि हम लोग के किसान के बहुत बदतर स्थिति है, जीना मुश्किल है। क्या क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या है कि कोई आइटम नहीं मिला, कोई सिस्टम नहीं मिला, कोई मोदी जो वादा किया कोई चीज नहीं मिला। और यहाँ तक लिए स्थिति है कि हम लोग का धान सब मारा खा जा रहा है, रबी की फसल नुकसान हो गया है। नुकसान है कि नहर में पानी आ रहा है, नहर में पानी टूट के जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आपको नहीं लगता है कि मोदी को हो सकता है कि बदनाम करने की साजिश हो, कि सरकार जो है यहाँ पर जो है गठबंधन की सरकार है तो नीतीश कुमार इसके लिए पूरे रिस्पॉन्सिबल है? राज्यों में जो है मुख्यमंत्री होते हैं ना, तो मुख्यमंत्री का ज्यादा जिम्मेदारी बनता है कि राज्य की जो किसान है जनता है कैसे देखे। हाँ ठीक है, तो क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, हम लोग खुशहाल नहीं है, हम लोग बहुत दिक्कत में है। हम लोग नीतीश कुमार का कोई भी योजना नहीं है। हाँ। कोई सिस्टम सही नहीं है, कोई ध्यान देने वाले नहीं है। आप नीतीश जी को मानते हैं कि मोदी को मानते हैं? हम लोग कौन है? सरकार तो मोदी जी को बनाए थे, मोदी जी की सरकार के बाद उसके बाद नीतीश जी को सरकार भाजपा को बना, उनके बाद भी कोई नहीं मिला हम लोग का, कोई सुरक्षा नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। यहाँ तक लेके हम लोग को धान बिक भी नहीं आ रहा है। धान नहीं बिकता है? जो कुछ धान बिका उपजा उसका कोई लेने वाला नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है। बिहार का सिस्टम है कि पहले कैसे बिकता था आपका? पहले FCI केंद्र था। हाँ। FCI केंद्र में धान बिकता था। आज कब से बंद हुआ? 5 साल पहले FCI केंद्र में, 5 साल के बाद FCI केंद्र खत्म हो गया। अच्छा। उसके बाद अब बिहार का केंद्र बना, तो केंद्र का स्थिति है कि कोई किसान का धान मैंने जैसे बिचौलिया के थ्रू धान बिकता है और हम लोग किसानों का धान उचित मूल्य नहीं मिलता है, धान बिक भी नहीं करता है, कोई लेने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं है। बाहर के कोई व्यापारी भी है वो भी धान लेने वाला नहीं है, और लेता है तो वही जैसे तैसे रेट काट कर लेता है, उचित मूल्य मिलता नहीं है। तो बिहार से बाहर कोई धान नहीं जाता है? नहीं नहीं, बिहार से बाहर धान नहीं जाता। पहले बिहार के बाहर धान जाता था तो कुछ मूल मिलता था, आज धान जा ही नहीं रहा है। बिहार का सील सब कर दिया गया है इसलिए धान बाहर नहीं जा रहा है। यहाँ कोई लेनिहार नहीं, आज कोई रेट में धान बिकने वाला यहाँ नहीं है। हम लोग का ये स्थिति है कि हम लोग धान वाले आदमी हम लोग मर रहे हैं, हम लोग आत्महत्या करने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि हम लोग को कोई धान बिकता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? नॉलेज शर्मा। नॉलेज जी, बताइए कि सरकार से कितने खुश हैं आप?
अरे हम लोग तो आशा लगा कर बनाए थे मोदी जी के किसान के कुछ। मोदी जी को वोट दिया था आपने? खूब तहे दिल से दिए थे। तहे दिल से दिए थे, दिए थे। क्या क्या आपको दिक्कतें, क्या क्या आ रही है, क्या क्या समस्याएं हैं, ये पांच साल में आपको क्या मिला है? आपको आशा लगा के दिए थे कि मैंने किसान को कुछ ऋण माफ करेंगे, बाकी दलसा को तो सरकार तो घोषणा किया था ना ऋण माफ करने के लिए, और घोषणा किए थे, बाकी कहाँ किए? नहीं हुआ, कुछ नहीं। आपको क्या क्या मतलब क्या क्या लगता है, क्या क्या आपको है नाराजगी, क्या क्या सो बताइए। मोदी जी के बोलिए, मोदी जी के अथी में कैमरा देखिए से हाल हुआ। मैं बनाया था कि मोदी जी के आशा लगाकर तो कुछ किसान को जान बचेगा। वो हालत हो गया है किसान के, नहर टूट कर सब पैदा जो है नष्ट हो गया। कहाँ टूट गया? सब टूट गया, पैदा सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। धान जो थोड़ बहुत हुआ, मूल रेट नहीं मिल रहा है हम लोग का। कह रहे थे कि बोनस देंगे 300, सरकार ने जो मूल रेट जो किया तो फिर भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। कहे मोदी जी कहे कि बोनस, क्या रेट है धान का, क्या रेट है? 1750 के क्विंटल, क्विंटल हाँ, लेकिन नहीं मिल रहा है। न मिल रहा है, अब मोदी जी कहे कि 300 बोनस ऊपर से देंगे। बिहार हाँ। सरकार ने कुछ दिए नीतीश जी, मोदी जी कहे कि हम भी कुछ देंगे। वो हालत में मैंने मोदी जी नहीं दिए, बोलिए किसान आत्महत्या की तैयारी कर रहा है। आशा लगा के बनाए थे कि मोदी जी किसान के कुछ करके देखेंगे। अभी 19 का चुनाव अभी बहुत करीब है, वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं और पहले भी किए थे। अब किसके साथ हैं, किसको वोट देंगे आप, किसकी सरकार बनेगी 2019 में? अरे हम लोग तो यह लालसा लगाए थे कि मोदी जी बनेंगे, देंगे किसान के फायदा, मोदी जी बिहार में रहेंगे। अब ऐसा करेंगे, मोदी जी के पसंद हम लोग नहीं कर रहे हैं, मोदी जी की पसंद अब नहीं है। पिछले 5 वर्षों से मोदी के फैन रहे, मोदी के फैन फैन रहे। और का नाम है वो? सुरेंद्र पासवान। क्या खा रहे हैं? नहीं मखनिया खाते हैं, जो कामों करते हैं। सुरेंद्र पासवान सरकार से खुश हैं? खुश तो क्या हो गए सर, कहा है राशन सब काटे के फेंके हुए राशन हम लोग का मट्टी तेल नहीं मिलता, मट्टी तेल मिलता है उसमें राशन मट्टी तेल। कितना वोट दे रहा है? मोदी जी पक्का झूठ बोली था? मोदी जी अब कितना दे बात अब दूसरा के देंगे, मन से बोला दूसरा के देंगे, दूसरे के दे बात। अब देख रहे हैं कि किसानों की स्थिति कितनी नाराजगी है कि मोदी के फेवर में लोग अब कम दिख रहे हैं, अभी भी नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि इनको जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। अब तो खैर सरकार चुनावे होंगी, नई सरकार बनेगी या मोदी की वापसी होगी, आने वाला समय ही बताएगा। इतना जरूर है कि देश के किसान, देश के क्या किसान को क्या लग रहा है कि सरकार 19 में सरकार किसको बनाएंगे? मोदी को छोड़ के जो बनने वाला है उसी को बनाएंगे, क्या करेंगे? मोदी को छोड़ के बनाएंगे तो कौन ईमानदार इसके अलावा है? सब तो चोरे है, सब चोरे है, सब चोरे है। इनसे क्या फायदा है हमको मोदी जी से? ईमानदार है तो कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। मोदी सरकार ईमानदार जरूर है, फायदा नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन है जिस पर चोरों का आरोप है, मगर मजबूरी है। अब तय करना होगा देश के किसानों को और जनता को कि वोट देना किसको है। एक ईमानदार है और दूसरा महागठबंधन में, जहां तक सरकार कहती है कि वो चोर है, सरकार कहती है कि मोदी सरकार चोर है। मगर अब देखना होगा कि देश की जनता क्या तय करती है 2019 के चुनाव में। अब किसकी जीत होगी, किसके साथ क्या मुकाबला होगा, अब तो समय ही बताएगा। मैं वी राज बाबुल, पटना ग्रामीण क्षेत्र। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं मोदी जी कुछ लोग के माने बोनस के सुखाड़ घोषणा करके कुछ लोग के माने वेतन दिए, आओ धान हम लोग रोपे, रोपने में खर्चा हुआ, वो मुहार हो गया वर्षा के कारण, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। उस कारण में हम लोग सुन रहे हैं देहाती किसान लोग कि माने 15,000 एकड़ मोदी जी ने देंगे बोनस रूप में, जो मरा गया धान उसको अथी पर अभी तक हम लोग का माने ताक रहे हैं कि माने कहना आएगा, कहना आएगा, कुछ तो जान बचेगा, देखिए मोदी जी देंगे कि नहीं देंगे। इनका आरोप है कि सरकार ने वादा किया था कि सुखाड़ हो या बाढ़ आ जाए, जिसमें बर्बाद जहां बर्बादी हो
कुछ मिलना चाहिए, 15,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से मिलना चाहिए था, कुछ किसानों के साथ मिला, कुछ को नहीं मिला। ये लापरवाही राज्य सरकार की है, राज्य सरकार को देखना चाहिए था। और किसान इससे भी नाराज है कि अभी तक हमारा जो गला था, जो गल गया था, जो धान जो गल गया था, पानी से बाढ़ से डूब गया था, पानी से बर्बाद हो गया, उसका जो पूर्ति नहीं हो पाई है, भरपाई नहीं हो पाई है, और इसको लेकर भी बहुत बहुत नाराजगी है। मैं विराज बाबुल, पटना ग्रामीण क्षेत्र। धन्यवाद।